हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे सीएसएस के कुछ और नए टैक्स, कुछ और नए प्रॉपर्टीज के साथ। और जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है बॉक्स साइजिंग का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज बॉक्स साइजिंग एंड हाउ टू यूज बॉक्स साइजिंग विद सीएसएस। ठीक है, तो एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस बॉक्स साइजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देखिए एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट इज दैट कि सपोज यदि मैं यहां पर किसी टेक्स्ट को लेता हूं और इस पर हमने एक बॉर्डर सेट किया। सपोज यहां पर मैंने ये टेक्स्ट लिया हुआ है ना, मैं यहां पर कुछ कॉपी कर लेता हूं, सपोज ये टेक्स्ट है। अब ये टेक्स्ट को अगर मैं एक बॉर्डर के साथ लेता हूं, तो यहां पर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, याद करो, पेडिंग। ठीक है, कि यदि मान लो मैं यहां पर पेडिंग को चेंज करता हूं, ठीक, तो पेडिंग चेंज होने से जैसे जैसे आप पेडिंग चेंज करेंगे, हालांकि ये पेंट ब्रश है, इस पे आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। अगर मान लो आपने इनिशियली अपने इस पूरे जो बॉक्स है इसकी विड्थ रखी हुई है सपोज 50 पिक्सल्स और 500 पिक्सल्स, राइट। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने इस पे टेक्स्ट लिया, तो टेक्स्ट लेने के बाद यदि मान लो मैं अपने टेक्स्ट की पेडिंग को चेंज करूंगा, सो व्हाट दिस पेडिंग विल डू, इट विल इंक्रीज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो। ये बॉर्डर की विड्थ को भी चेंज करेगा, राइट। मतलब कहने का ये कि अगर आप एक कंटेंट को इस तरीके से सेट करना चाहते हैं कि वो एक बॉक्स में रहे और पेडिंग की विड्थ या हाइट बदलने से उस बॉक्स की विड्थ और हाइट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं अभी यहां पर ये लेता हूं और अगर मान लो मैंने इसकी जो बॉक्स साइज ली है, सपोज वो बॉक्स साइज ले ली मैंने 400 पिक्सल, राइट। लेकिन अगर मान लो आपने यहां से इस पेडिंग को चेंज किया, मान लो आपने पेडिंग को चेंज किया यहां से, राइट, अगर आपने पेडिंग को चेंज करके मान लो 200 कर दिया लेफ्ट से या राइट से, ठीक है, या टॉप से या बॉटम से, तो इट इंक्रीज द दिस बॉक्स साइज विड्थ आल्सो, या आपकी जो बॉक्स है इसकी विड्थ को भी बढ़ा देगा, राइट। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, या मैंने बॉर्डर को चेंज किया, मान लो मैंने बॉर्डर को की जो स्टाइल है उसको चेंज कर दिया, बॉर्डर की मैंने विड्थ को चेंज कर दी, तो ये आपके बॉक्स के जो टोटल विड्थ है उसको इंक्रीज कर देगा, राइट। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल इस कॉन्सेप्ट को पहले बताता हूं, तब आपको एग्जैक्ट इसका इफेक्ट समझ में आएगा। तो यहां पर हम एक नई फाइल यूज करते हैं टेस्ट box.html के नाम से, एंड यहां पर मैंने लिए कुछ बेसिक टैग्स /html, ठीक है, और हेड एंड देन टाइटल। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम टेक्स्ट लेते हैं तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये बहुत जनरल आती है कि टेक्स्ट में अगर मैं पेडिंग प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूं तो वो टोटल हाइट या विड्थ को भी चेंज कर देता है, राइट। जैसे हमने यहां लिया बॉक्स साइजिंग, ठीक है, ये मैंने ली बॉक्स साइजिंग, कि बॉक्स साइजिंग को आपको किस तरीके से यूज करना है तो देखते हैं इसको। लेकिन उसके पहले यहां पर हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है, ये मैंने बॉडी एंड स्लैश बॉडी, और यहां पर सपोज मैंने एक डिविजन टैग ले लिया, एंड दिस डिविजन टैग is having division and slash division, ये हमने टेक्स्ट कॉपी कर दिया, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, ओके। और मैं कुछ और थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नॉट टू वरी। तो अभी अगर मैं इसको देखूंगा, सो नो डाउट नथिंग इफेक्ट इन दिस, ये बिल्कुल एक सिंपल सा हमें कुछ इस तरीके से टेक्स्ट दिख रहा है। लेकिन अब यदि मान लो मैं इस पर कुछ इफेक्ट लेके आना चाहता हूँ, लाइक मुझे एक बॉक्स लेना है, बॉर्डर लेना है, विड्थ लेना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक आईडी सिलेक्टर लिया और मैंने इसका नाम रख दिया सपोज बॉक्स wh, बॉक्स विड्थ हाइट, ठीक है, और ये मुझे लेना पड़ेगा स्टाइल में, दैट्स व्हाई, ठीक है, हमने इसको स्टाइल में ले लिया, ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूं, ठीक। और यहां पर हमने लिया इसको सपोज नेम बॉक्स wh, बॉक्स विड्थ हाइट, और यहां पर हमने सबसे पहले बॉर्डर सेट की कि आपको बॉर्डर किस तरीके से रखना है, बॉर्डर की विड्थ कितनी रखना है, ठीक है, तो हमने बोल दिया बॉर्डर इज सपोज, मैंने फिलहाल मैंने इसको सिंपल रखा है 5 पिक्सल्स, बॉर्डर कलर इज सपोज दिस इज ब्लू, ठीक है, एंड बॉर्डर स्टाइल हमने ले ली, यहां पे बॉर्डर स्टाइल को मैं ले लेता हूं, ठीक है, जो मेरी पसंदीदा है डबल, ठीक है, लुक एंड फील अच्छा लगता है इस तरीके से, ओके। तो ये आपने बॉर्डर सेट की, और अब इस बॉक्स wh नाम का जो हमने आईडी सिलेक्टर बनाया है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूं यहां पे आईडी इक्वल टू दिस वन, ठीक है, और मैंने इसकी विड्थ भी अभी सेट नहीं की है, चलिए मैं इसकी विड्थ भी ले लेता हूं, मैंने विड्थ ले ली सपोज 300 पिक्सल्स, ओके, तो आपका जो टोटल टेक्स्ट है वो 300 पिक्सल्स की विड्थ में आएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर मान लो मैं बॉर्डर की पिक्सल चेंज करता हूं,
ठीक है, अगर आप सपोज करिए यहां पे अभी पैडिंग को चेंज करते हैं तो उससे इस विड्थ को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विड्थ मुझे 300 ही रखना है या जो भी आप सेट कर रहे हैं। तो फिलहाल अब देखते हैं इसको, अब देखिए कुछ इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूं, तो हमें सेंटर स्लैश सेंटर, ये मैंने इसको मैं बंद कर देता हूं और आपको लुक एंड फील थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। दिस इज स्लैश, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखता हूं तो देखिए क्या किया हमने, बॉक्स WH नाम से एक आईडी सिलेक्टर बनाया और इस आईडी सिलेक्टर को में हमने तीन प्रॉपर्टी बेसिकली सेट किए, विड्थ, बॉर्डर, चार, स्टाइल और कलर। तो अभी मैं अगर इसको देखता हूं तो इट्स लुक लाइक समथिंग दिस, क्योंकि मैंने विड्थ काफी कम दी है अभी। अब अगर मैं विड्थ को चलिए और थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं विड्थ को ले लेता हूं सपोज 700, ठीक है। सो नाउ दिस विड्थ इज 700, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अब यहां पर आप मेनली कॉन्सेप्ट ये समझिए कि सपोज यदि मैं यहां पे अब इस मैं पैडिंग यूज करता हूं, ठीक है। अभी आप देखिए पैडिंग का कोई कॉन्सेप्ट यहां पर आपको नहीं दिख रहा है, देयर इज नो पैडिंग इन दिस टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट के बीच में देखिए कोई पैडिंग नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर पैडिंग को यूज करता हूं और मैंने मान लो लिखा यहां पे पैडिंग, तो पैडिंग हमने लेफ्ट, आपको याद है मैंने चार तरीके से आपको पैडिंग बताई थी, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो फिलहाल मैंने पैडिंग को कर दिया सपोज 20 pixels, ठीक है। तो ये जो 20 pixels है ये पैडिंग है आपकी टॉप से। तो अब देखिए टॉप से अगर मैं इसकी पिक्सल देखूंगा, ये टॉप से, तो ये 20 pixels आपकी टोटल पैडिंग हो गई है। लेकिन यदि मान लो अब आपने इस पैडिंग को बढ़ा के कर दिया सपोज दिस इज 50 pixels, तो जैसे जैसे आप पैडिंग बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं आपकी बॉक्स की साइज भी बढ़ती जा रही है। सी दिस वन, ये टोटल बॉक्स की साइज को भी बढ़ा रहा है। यदि मान लो मैं इसको 50 की जगह, अब देखिए मैं इसको कर देता हूं अगर 500, राइट, तो ये पैडिंग चेंज हुआ तो इट इंक्रीज द बॉक्स साइज ऑल्सो। अब देखिए पैडिंग से चेंज होने से पूरी बॉक्स की साइज चेंज हो गई। तो हम ये चाहते हैं यहां पे कि पैडिंग अगर मैं चेंज करता हूं, या मान लो मैंने बॉर्डर चलिए, तो पैडिंग अभी अगर मैं बॉर्डर को चेंज कर दूं, मान लो मैं इसको कर देता हूं 50 pixels, तो बॉर्डर के पिक्सल से चेंज होने से सी दिस वन ऑटोमेटिकली बॉक्स की साइज चेंज हो रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके का इफेक्ट चाहिए जहां पर मुझे बॉर्डर, सॉरी मेरी जो विड्थ है दैट विड्थ आई वांट फिक्स 600 और 700 और 500, ये मेरे को 500 ही रखना है, चाहे मैं इसके बाद, अब देखिए अभी 500 के बाद भी पैडिंग चेंज हुई तो बॉर्डर चेंज हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं। तो यहां पर आपके पास देयर इज एन ऑप्शन टू सेट दिस, मैं इसको बॉर्डर को थोड़ा सा कम कर देता हूं, बड़ा लुक एंड फील चेंज हो गया उसका, ठीक है। तो आप देखिए, तो अब यहां पर मैं ये चाहता हूं कि सर मेरी जो विड्थ है मुझे विड्थ उतनी ही रखना है, आई डोंट वांट टू चेंज द विड्थ। अभी आप देखें तो टोटल विड्थ आपकी नियर अबाउट 600 के आसपास हो गई है, अगर आपने बॉर्डर चेंज कर दी है, पैडिंग चेंज कर दी है, ठीक। तो यहां पर वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉक्स साइजिंग। तो इस बॉक्स साइजिंग के पास हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर वी शुड गो फॉर बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और वी शुड गो फॉर कंटेंट बॉक्स। तो आप देखिए बॉर्डर बॉक्स को अगर मैं इसको सेट कर देता हूं, तो अब अगर मैंने बॉर्डर बॉक्स लिया तो आपको अभी इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा सीरीज में ये, लेकिन अब आप देखिए अगर मैं पैडिंग साइज बढ़ाता हूं, मान लो मैंने इसको कर दिया 100, इसके पहले क्या हुआ था जब हमने बॉक्स साइजिंग नहीं दिया था तो पैडिंग चेंज होने से आपके बॉर्डर की विड्थ भी चेंज हुई थी, राइट। लेकिन अब क्या होगा, केवल इंटरनल पैडिंग चेंज होगी, देयर इज नो इफेक्ट इन द बॉक्स सीरीज में। ये देखिए बॉक्स साइज उतनी ही है, You cannot see the, अगर मैं इसको 200 कर देता हूं, ठीक है, आप देखिए बिना इसके और दोनों में इफेक्ट देखिए, मैंने इसको 200 किया, ये देखिए आप, ठीक। लेकिन मुझे ये चाहिए कि बॉस मुझे बॉर्डर, सॉरी पैडिंग चेंज करने से मुझे बॉक्स साइजिंग चेंज नहीं करना है, ये देखिए आप, अब आपके इंटरनल पैडिंग चेंज हो रही है बट देर इज नो इफेक्ट ऑन द विड्थ ऑफ द बॉक्स। आपकी बॉक्स की जो विड्थ है, जो मैं आपको बता रहा था यहां पे, कि आपकी बॉक्स की जो विड्थ है उस विड्थ पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये विड्थ कहलाती है, ये दिस वन, ये विड्थ है आपकी, ये तो नाउ यू कैन नॉट सी एनी इफेक्ट इन दिस विड्थ। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, यहां पर हमने प्रॉपर्टी क्या सेट की है, बॉक्स साइजिंग, ठीक है। और इस बॉक्स साइजिंग के, जैसे मैंने आपको बोला था, दो वैल्यूज होती है, कि या तो आप बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स ले सकते हैं, या फिर आप इस बॉक्स साइजिंग को ले सकते हैं बॉर्डर कंटेंट। तो यदि मैं इसको बॉर्डर बॉक्स की जगह कंटेंट बॉक्स लेता हूं, सॉरी, ठीक है, तो इस कंटेंट बॉक्स का मतलब ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है,
इट्स अ डिफॉल्ट। जो इफेक्ट अभी तक आपको दिख रहे थे वो अब यहां पर भी दिखेंगे आपको। लेट्स सी, देखिए आप, चेंज हो गई आपकी बॉर्डर की विड्थ। तो कंटेंट बॉक्स जो है वो इस बॉक्स साइजिंग की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मतलब जो अभी तक इफेक्ट आ ही रहे थे। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बॉर्डर की विड्थ चेंज करने से, देखिए ना आप, अब मैं यहां पर अगर बॉर्डर को 10 छोड़िए, मैं इसको 50 भी कर दूं, 100 भी कर दूं, मान लो मैंने इसको 100 पिक्सल्स भी कर दिया, तो भी मेरा विड्थ उतना ही रहेगा। इट कैन नॉट चेंज द विड्थ ऑफ माय बॉक्स। ठीक है, विड्थ उतनी ही है, बट गॉट इट, पैडिंग अगर मैं इसको 700 भी कर दूं तब भी मेरे बॉर्डर की विड्थ उतनी ही है। ठीक है, सॉरी ये कंटेंट बॉक्स है, सॉरी कंटेंट बॉक्स से तो इफेक्ट वही हो रहा है दिख रहा था बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कंटेंट बॉक्स से चेंज हुआ था, लेकिन अगर मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया तो आप देखिए द इफेक्ट इज द सेम, केवल आपकी पैडिंग चेंज हुई। राइट, यू कैन नॉट सी द, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि वो समझ ही नहीं आएगा आपको। राइट, सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉक्स साइजिंग, कि बॉक्स साइजिंग को हम यूज करते हैं यदि आपको अपने बॉर्डर को चेंज करने से या पैडिंग को चेंज करने से, यदि आप चाहते हैं कि इससे आपके बॉर्डर का, सॉरी आपकी जो बॉर्डर है उसके विड्थ पे कोई फर्क ना पड़े, सो दैट वी विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट, बॉक्स साइजिंग कॉन्सेप्ट। एंड बॉक्स साइजिंग की दो वैल्यूज होती हैं, वन इज बॉर्डर बॉक्स एंड सेकेंड इज कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉक्स साइजिंग। ठीक है, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब आप पेज क्रिएट करोगे, जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हाउ टू यूज दिस बॉक्स साइजिंग कॉन्सेप्ट, आई होप समझ आ रही है चीजें, सिंपल है, आसान है, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अगर आप देख लेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। तो प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा बेटा, वेब डेवलपर अगर बनना है तो लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, एट द एंड जब अभी हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो फिर आपको कोड लिख के ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि साथ में चलिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ CSS के। बस बने रहिए, समझते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, चलिए तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।